टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप के अपने दूसरे मुकाबले में नीदरलैंड को 56 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा की उम्दा पारियों के दम पर भारत ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 179 रन बनाए। विराट ने 44 गेंदों पर 62, सूर्या ने 25 गेंदों पर 51 और रोहित ने 39 गेंदों पर 53 रन बनाए। नीदरलैंड के लिए फ्रेड क्लासेन और पोल वॉन मीकरेन ने एक एक विकेट लिया। जवाब में नीदरलैंड की टीम ने 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 123 रन बना पाए। भारत के लिए भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, अक्षर पटेल और अश्विनी को 2-2 विकेट मिले। वहीं मोहम्मद शमी के खाते में एक सफलता आई। इस जीत के साथ ग्रुप दो में भारतीय टीम 4 पॉइंट के साथ नंबर 1 पर पहुंच गई। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरे भारतीय बल्लेबाज डच गेंदबाजों के आगे काफी देर तक खुल कर नहीं खेल पाए। पावर प्ले के 6 ओवर के बाद भारत का स्कोर 38-1 था। 10 ओवर के बाद भारतीय टीम 67-1 तक ही पहुंच पाई। 15 ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया का स्कोर 144-2 था। आखिरी 5 ओवर में भारत ने 65 रन बनाए। पाकिस्तान के खिलाफ 4 रन बनाकर आउट हुए KL राहुल नीदरलैंड के खिलाफ भी फ्लॉप रहे। तीसरे ओवर की चौथी गेंद मिडिल लेग पर फुलर थी। इसे राहुल फ्लिक करना चाहते थे लेकिन अंदर आती गेंद को वो मिस कर गए। एम्पायर ने तुरंत उंगलियां खड़ी कर दी। वो 12 बॉल में 9 रन बना पाए और उनका विकेट मीकरेन ने लिया। हालांकि रिप्ले से जाहिर था राहुल आउट नहीं थे और बॉल लेग स्टंप मिस कर रही थी। रोहित शर्मा के मना करने के कारण राहुल ने DRS नहीं लिया।